हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लव कुमार सोनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि बीएफए या एमएफए में कितना टाइम लगता है, क्या टाइम पीरियड होता है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बीएफए जो है, मोस्टली जो ग्रेजुएशन होती है आपने देखा होगा वो होती है 3 ईयर्स की, बट जो बीएफए है ना, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, वो होता है 4 ईयर का। ये ध्यान रखें कि 4 साल का इसके अंदर बीएफए होता है और उसमें टाइमिंग जो होगी वो आपकी टाइमिंग होती है 9 से 5 तक के कॉलेज होते हैं मोस्टली, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। 1 आवर का इसमें लंच होता है, 1 से 2 बजे तक का, तो यही सब होता है। और ऐसे ही हम एमएफए के ऊपर आ जाते हैं तो एमएफए भी जो है आपका 2 साल का होता है, वो सेम एज वही इसकी टाइमिंग होती है। हमारी सैटरडे संडे मोस्टली क्लोज रहते हैं कॉलेजेस, 9 से 5 की टाइमिंग होती है जिसमें 9 से 11 बजे तक पूरी चलती है। कुछ पीरियड सिस्टम भी बनाए रखते हैं कुछ कॉलेजेस में, ऐसा होता है। तो ये टाइम पीरियड होता है, तो टोटल अगर आप इस कोर्स को काउंट करेंगे तो टोटल कोर्स हो जाता है 6 साल का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 6 साल का ही कोर्स कंप्लीट करना है, आप इसके अंदर 4 साल का बीएफए भी करके अपने एक अच्छा कैरियर डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपके पास में टाइम है, समय है, अगर आपने अभी 12 पास करते ही आपका एडमिशन हो गया है, अगर आप कल्लक बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर होता है एंट्रेंस बढ़िया तरीके से, कॉम्पिटिशन होता है पूरा टफ, अगर आपने उस कॉम्पिटिशन को बीट कर और अपना सिलेक्शन ले लिया है, जैसे 12th पास करते ही, जैसे कि मेरे साथ में हुआ था, मेरा 12th पास होते ही मेरा एडमिशन हो गया, तो आपके लिए एक समझ लो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसके अंदर आप एमएफए भी करें कंटिन्यूअसली। अगर आप ऐसा होगा कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स के साथ में, या उन्हें लेट पता चलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई उनका बहुत सारा समय जो है वेस्ट हो जाता है, और उनको बाद में पता चलता है 22-23 साल की उम्र में कि बीएफए नाम की भी कोई डिग्री होती है। तो मैं उनसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप फिर भी उसके अंदर एंट्रेंस दीजिए, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कम से कम 2 साल ट्राई करिए, 2 के बाद में बिल्कुल भी मत ट्राई करिए। आप कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा या अदर किसी प्राइवेट कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट कर लीजिए, गवर्नमेंट के चक्कर में ना पड़े बार बार। ठीक है, 2 साल में पूरा कहता हूँ, 2 साल के अंदर लेकिन आपको अपना 101% देना होगा। जितना भी आपको इन्वेस्ट करना अपना मनी अपना टाइम, आप इन 2 साल के अंदर करिएगा, तो मेरी ये एडवाइस आपके लिए रहेगी। फिर अगर आप 22-23 साल की उम्र में अगर आपका एडमिशन होता है वहां पर, तो आप, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले आप अपनी बीएफए को कंप्लीट करने के बाद में फिर आप थोड़ा अपना फाइनेंशियल की तरफ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जॉब वगैरह का देखिए, और कोशिश ये करिए कि आप एमएफए आप ऐसे हो जाए कॉरेस्पॉन्डेंस है, डिस्टेंस है, एमए कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो डिस्टेंस से एमए कराते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट, समझ गए मेरी बात। तो दोनों की डिग्री में ऐसा होगा कि आपको इजीली अगर कोई गवर्नमेंट की कोई जॉब निकलती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? तो इतना टाइम पीरियड इसके अंदर लगता है। और रही बात पैसे की, तो पैसा मैं बता देता हूँ, 1 साल के अंदर आपके फीस को मिला के कैलकुलेट करके और आपका जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह इसके अंदर लगेंगे वो सब मिलाने के बाद में भाई 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, 1.5 लाख का। और ये धीरे धीरे बढ़ता भी रहता है। अगर आप 4th ईयर में जा रहे हैं या एमएफए के फाइनल ईयर में, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपका कॉस्ट बढ़ सकता है, समझ गए। तो 4 साल का कोर्स कम से कम मैं बताऊँगा आपको 4-5 लाख रुपये में होगा, कॉस्टली है, समझ सकता हूँ मैं इस चीज़ को, बट कोई नहीं। लेकिन अगर आप मेहनती हो तो ये तो सब रिकवर हो जाता है, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो दोबारा वापस तो नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने समय के और अपने सेहत का पूरा ध्यान रखें। तो ये क्लियर हो गया होगा कितना टाइम पीरियड लगता है हमें पूरी डिग्री कंप्लीट करने में। और एमएफए के बाद में भी अगर आप चाहें तो आप अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर सकते हैं। पीएचडी के लिए भी आपको प्रोफेसर्स वगैरह से इनसे मिलना होगा, इनसे किस प्रोफेसर के अंडर में आप अपनी पीएचडी करेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं इसके अंदर, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो धीरे धीरे हम इस चैनल के साथ में लाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। और अगर आप कुछ भी क्लासेस लेना चाहते हैं बीएफए से रिलेटेड, एमएफए से रिलेटेड कुछ क्लासेस लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।